चंडीगढ़ से बड़ी खबर ये है कि हरियाणा में बड़े स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। तो हरियाणा में बड़ा फेरबदल किया गया है। 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अधिकारियों के नाम और प्रति आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो चुनाव के दौरान चुनती किसी भी तरह के प्रशासनिक फेरबदल को लेकर हर बार की तरह इस बार भी प्रतिबंध था। अब ये दूसरा मौका है जबकि प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कुल मिलाकर 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। तो अधिकारियों के नाम की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है कि प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, किन किन अधिकारियों के तबादले हुए हैं? हालांकि टीवी स्क्रीन पर हम लिस्ट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए ज्योति सांगवान, जो आईएएस के तबादले हुए, 14 आईएएस के तबादले हुए और ये सारे के सारे वरिष्ठ आईएएस और बड़े स्तर का जो ये तबादला है, जो प्रशासनिक स्तर पर बड़े स्तर के तबादले हुए, जो हम बात करें संजीव कौशल, जो वरिष्ठ आईएएस है, एसीएस है, संजीव कौशल को अब कृषि डिपार्टमेंट में एसीएस लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें उनको कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में भी एसीएस लगाया गया और जो ज्यादातर आईएएस है एसीएस स्तर के ज्यादातर आईएएस है। इसी तरीके से अगर बात करें पीके दास की, बात करें पीके दास को फिलहाल फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आलोक निगम की अगर बात करें, आलोक निगम पहले पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में थे, अब आलोक डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट में एसीएस लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल एजुकेशन भी इनके पास रहेगा। वहीं देवेंद्र सिंह जो वरिष्ठ आईएएस एसीएस है, उनको फिलहाल अगर बात करें उनको इरीगेशन डिपार्टमेंट में एसीएस लगाया गया। इसके अलावा उनके पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी रहेगा। वहीं अगर बात करें टीसी गुप्ता के पास कई डिपार्टमेंट रहने वाले, काफी पावरफुल आईएएस एसीएस की अगर बात करें उनके पास बिजली विभाग में एसीएस रहेंगे। वहीं इसके अलावा अगर बात करें उनके पास रोजगार विभाग में भी वो एसीएस रहेंगे। इसके अलावा उनके पास कई डिपार्टमेंट हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें अमित झा, सिद्धार्थनाथ रॉय, राजीव अरोड़ा, इन सब आईएएस के लिए तबादले किए गए, बड़े स्तर पर तबादले हुए। वहीं बात करें अनुराग रस्तोगी, टीवीएस एन प्रसाद का भी यहाँ पे तबादला किया गया। अगर बात करें आनंद मोहनसन की, वरिष्ठ आईएएस है, उनको प्रिंसिपल फैक्ट्री लगाया गया है। ये जो माइंड डिपार्टमेंट रूटीन तबादले ये हैं चुनाव के बाद। देखिए इन तबादलों की बात करें, क्योंकि जब से सरकार बने इतने बड़े स्तर का तबादला नहीं, और जो तबादले हुए जो ये सारे के सारे आईएएस है, वरिष्ठ आईएएस है, इनमें ज्यादातर एसीएस स्तर के तबादले हैं। ऐसे में कहना चाहिए जो नई सरकार बनी है, मंत्रालय बनाए गए हैं, नए मंत्री बने हैं, तो मंत्रियों के हिसाब से, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के विभागों के काम होते हैं, जो एसीएस स्तर के अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं यही पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा लेखा जोखा देखता है। तो ऐसे में जो तबादले हुए काफी महत्वपूर्ण तबादले। चलिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो काफी खास इन तबादलों को इसलिए माना जा सकता है क्योंकि अभी सरकार का गठन हुआ है, मंत्रालय संभाले गए थे मंत्रियों की ओर से। अब किसके साथ किसका किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, तमाम फैक्टर्स पर स्वाभाविक तौर पर काम किया गया होगा। कुल मिलाकर बड़ी खबर ये दी कि 14 जो आईएएस अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और चुनाव के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अपने आप में कहा जा सकता है।